इंतजार मत करो, अच्छे काम का कहते हैं कि अगर कोई अच्छा कार्य करना है तो उसके लिए ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, कर डालो, और कोई बुरा काम करना है उसके लिए सोचते रहो, करो मत, क्योंकि सोच तो आएगी लेकिन करो नहीं, उसको टालते रहो। अगर कोई बुरा कर्म है उसको पीछे के लिए टालो, और अच्छा कर्म है उसको आगे तुरंत करो, क्योंकि तन नम्र है चोट झिली न झिली, और रटले हरि नाम अरि रसना कि तू अंत समय पे हिली न हिली। कलिकाल को ठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली, रटले हरि नाम अरि रसना कि तू अंत समय पे हिली न हिली। तो उस समय बुढ़ापे का इंतजार क्या करना, बुढ़ापे में तो वैसे ही इतने रोग घेर लेते हैं शरीर को कि बस पूरा समय दवाई खाने में निकलता है। अब इस दवा का टाइम हो गया, अब इस दवा का टाइम हो गया, अब इसका हो गया, डिब्बा लेके बैठे रहते हैं दवाइयों, इतनी बीमारियां चल गई आजकल। अब उस समय तुम अपने शरीर की देखभाल करोगे कि भगवान का भजन करोगे? क्यों, जो समय भगवान ने दिया उसी समय आरंभ कर दो। अच्छे काम के लिए बिल्कुल मत सोचो, कभी पीछे मत टालो, पीछे के लिए अच्छे कामों को पहले करो। और अगर कोई बुराई अंदर प्रवेश कर जाए और बुरे कर्म का करने का मन हो तो उसको सोचो, इसको बाद में करेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए भजन की, पूजा की, कथा की कोई उम्र नहीं होती है। केवल 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया, बताओ, केवल 5 वर्ष की अवस्था भजन करने चले गए और इतना इतना तप किया उन्होंने, केवल 5 महीने में भगवान का दर्शन कर लिया, केवल 5 महीने में। जबकि कितने कितने ऋषियों को, मुनियों को जन्म जन्मांतर बीत गए भजन करते करते, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। लेकिन ध्रुव ने अपनी साधना से, एकाग्रता से, लगन से केवल 5 महीने में ही भगवान का दर्शन कर लिया। उसके बाद मृत्यु पर विजय प्राप्त की।